और अब खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तियरा निवासी राजकमल साह पुत्र भगवान दास साह ने शुक्रवार की रात करीब 12 बजे युवक ने अपनी मां को कॉल किया और कहा कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वहीं इसके बाद युवक का फोन बंद हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसकी तलाश में जुट गए। रात में 1 बजे स्थानीय लोगों ने मयार नदी के पास युवक का शव देखा तो मौके पर पुलिस को सूचना दी। वहीं शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। शनिवार दोपहर को उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जहां राजकमल के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी 2019 में बबीता के साथ हुई थी। बबीता साह किसी और लड़के से फोन पर बात करती थी और इसी को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था। कुछ समय बाद बबीता मायके में जाकर रहने लगी। वह राजकमल को फोन पर धमकी देने लगी। इसके साथ ही बबीता के भाई और अन्य लोगों ने भी जान से मारने की धमकी व गाली गलौज दी। इसकी शिकायत मृतक युवक ने सासन चौकी पुलिस में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शुक्रवार की रात 1 बजे युवक की हत्या कर शव को मयार नदी के पास फेंक दिया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की सारी सच्चाई का पता चल सकेगा।